हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। दोनों मेल, एक मेल जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स यानी कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। दोनों मेल होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों फीमेल होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। एक मेल का होना जरूरी है, एक फीमेल का होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मेल होगा एक फीमेल होगा। एक मेल जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों फ्यूज हो जाएंगे। जब दोनों फ्यूज टुगेदर हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब डेवलप होगा, आगे हम इसके स्टेजेस पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप होता है। जाइगोट के बाद देखिए यहाँ पे डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, फुल मैच कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तीन फेजेस में कंप्लीट होता है, उसका जो साइकिल होता है वो तीन फेज में कंप्लीट होता है। यहाँ पे साइकिल देखिए, साइकिल कंप्लीट इन थ्री फेजेस। पहला फेज जो है वो है जुविनाइल फेज, और दूसरा फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा फेज जो है सेनेशियस फेज। जुविनाइल फेज में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जुविनाइल फेज और लास्ट वाला थर्ड फेज जो सेनेशियस फेज है, ये बहुत ही शॉर्ट में है। रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो है बड़ा थोड़ा। तो जुविनाइल फेज में देखिए यहाँ पे ये प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, उस तरह तो इसका नाम जुविनाइल फेज है क्योंकि हम लोग ह्यूमंस के लिए, लेकिन प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और इसमें जो है ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है यानी पैदा होता है, उसके बाद ग्रो करता है, अपना ग्रोथ करता है बॉडी का, जो भी है प्लांट हो या फिर एनिमल हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैच्योर हो जाता है, जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। और जब जुविनाइल फेज खत्म होता है तब रिप्रोडक्टिव फेज चालू होता है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव फेज हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी मतलब नेक्स्ट पॉइंट में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा बड़ा है। सेनेशियस फेज छोटा है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फेज आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है तब ये जो है सेनेशियस फेज स्टार्ट होता है। इसमें रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है वो स्लो हो जाती है। जैसे कि कोई आदमी है गाँव का या फिर शहर का कोई भी आदमी है, जब उसका एज हो जाता है, उसका मतलब ज्यादा उम्र हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है वो, तो देखेंगे वो अब बहुत धीरे चलता है, कोई भी काम बहुत स्लोली करता है, बहुत धीरे। तो इसका मतलब वो इस फेज में एंटर कर चुका है, सेनेसियस फेज में। इसमें जो है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। कोई भी बूढ़ा आदमी देखिए कोई भी काम धीरे धीरे करता है, कोई भी काम हो, चलना हो, खेलना हो, खेलते तो है नहीं, मतलब कोई भी काम वो धीरे करता है, क्योंकि उसका एक्टिविटी जो भी है बॉडी के अंदर वो बहुत धीरे हो गया, स्लोज हो गया, सेनेसियस फेज में वो एंटर हो चुका है। और जैसे जैसे सेनेसियस फेज बढ़ता जाता है, वैसे ही फुल्ली ऑर्गेनिज्म जो है फाइनली डाई हो जाता है, मर जाता है। जैसे कि इस तरह से साइकिल जो है तीन साइकिल में कंप्लीट होता है, तीन फेज में कंप्लीट होता है। तीनों फेज मैंने आपको बता दिया, दो फेज तो मैंने आपको डीपली समझा दिया, लेकिन एक फेज बता हुआ है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव फेज। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। पिछले बार मैंने आपको बता दिया था तीनों फेज के बारे में, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज एक बहुत बड़ा फेज है जिसमें एक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी एनिमल का, किसी भी ह्यूमन बींग तक का। रिप्रोडक्टिव फेज एक ऐसा फेज है जिसमें एक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है, एक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव फेज है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज एक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब जो रिप्रोडक्शन का सही टाइम होता है वो इसी टाइम होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में ही होता है। और यहाँ पे देखिए कैन बी इजिली डिटरमाइन इन एनिमल्स, एनिमल्स में ये काफ़ी इजिली पता चल जाता है। एनिमल्स जैसे हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं तो हमें इजिली पता चल जाता है, लेकिन प्लांट्स में ये इजिली डिटरमाइन नहीं हो पाता है, प्लांट्स में ये इजिली नहीं दिखाई देता है, इजिली नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आसानी से इसलिए पता नहीं चल पाता है क्योंकि कई फ्लावर्स, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, एक बार ही फ्लावर देते हैं, या फिर फ्लावर देते भी हैं तो कुछ साल के लिए ही देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन प्लांट्स इट कैन नॉट बी इजीली डिटरमाइंड। उसके बाद बिकॉज सेवरल प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग ऑकर्स वंस इन लाइफ और फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए फ्लावरिंग होते हैं या फिर लाइफ में एक बार होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स में डिटरमाइन करना ईजिली नहीं होता है। जैसे कि आसानी से हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते, आसानी से नहीं जान सकते। जैसे एग्जांपल में बम्बू कट भी आता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में बांस का पेड़ कहते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं और झुंड में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं।
तो उसमें जो है फ्लावरिंग सिर्फ 55 से 100 ईयर्स यानी 55 से लेके 100 साल के बीच में एक ही बार फ्लावरिंग होता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, इन बम्बू ट्री प्लांट्स फ्लावर्स ऑकर्स और वंस इन 55 टू 100 ईयर्स, यानी 55 से 100 साल के बीच में एक ही बार फ्लावरिंग होता है, यानी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होता है, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग नहीं होता है। तो ये प्लांट मेजली इसलिए डिटरमाइन नहीं हो पाते हैं इन सब प्लांट्स की वजह से। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग दिस फेज फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स सर्टेन अंडरगो सम साइक्लिक चेंजेस। जैसे कि फीमेल्स प्राइमेट होते हैं इसी फेज के दौरान, जैसे कि फीमेल्स प्राइमेट और नॉन प्राइमेट्स इनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस होता है, सर्टेन अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। जैसे कि फीमेल प्राइमेट्स में आ जाएंगे मंकी एप्स और ह्यूमन बींग, जैसे यहाँ पर फीमेल प्राइमेट में ह्यूमन बींग मंकी एप्स जैसे हम आ गए, चिंपैंजी आ गए, बंदर आ गए, ये फीमेल प्राइमेट्स में इंक्लूड होते हैं। इनमें अगर साइक्लिक चेंजेस होता है, सम साइक्लिक चेंजेस होता है इसी फेज के दौरान, तो यहाँ पे जो है इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। आप सब ने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन में भी होता है, मतलब लेडीज में ही सिर्फ होता है, जेंट्स में नहीं होता है, फीमेल में ही होता है। तो फीमेल प्राइमेट्स में ये साइक्लिक चेंजेस होता है तो इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और वही नॉन प्राइमेट्स यानी फीमेल नॉन प्राइमेट्स में इंक्लूड होते हैं कैट, डॉग, काउ और भी बहुत सारे हॉर्स, ये इसके मतलब फीमेल म्यूल। तो इस तरह से इसमें अगर साइक्लिक चेंजेस होता है तो इसे हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और इससे भी आता है। तो ये दोनों इस टॉपिक के जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी पूछा जाता है कि प्लांट्स जो है प्लांट्स क्यों नहीं इजिली डिटरमाइन हो पाते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल है मैं आगे बताऊंगा। तो ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से भी और ट्वेल्थ बोर्ड के पर्पज से भी। तो आपको ये पता चल गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल क्या होता है और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेशियस फेज स्टार्ट होता है जिसमें मैंने बता ही दिया है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी स्लो डाउन होता है, फाइनली ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है या फिर वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो, मंकी हो, एप्स हो, काउ हो, डॉग हो, कोई भी। तो अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके क्या क्या टाइप्स है, उसका डिफिनेशन क्या है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों रिप्रोडक्टिव फेज जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इनके भी कई सारे टाइप्स हैं, मैं पहले लिख देता हूँ आप भी देखें। रिप्रोडक्शन यहाँ पे तीन टाइप्स में डिवाइड है, एक है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जैसे कि इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक है जैसे ये प्री फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाला फेज है, मतलब टाइप्स है फर्टिलाइजेशन से जो पहले होता है उसी को हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है गैमेटोजेनेसिस, एक है गैमेटो ट्रांसफर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैमेटोजेनेसिस और एक है गैमेटो ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट फॉर्मेशन जो होता है उसके प्रोसेस को ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गैमेट है, शुरू में ही गैमेट है तो गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो गैमेट्स होता है ये ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है गैमेट्स और ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेट्स जो है हैप्लॉइड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में तो आप हैप्लॉइड ही लगाइएगा क्योंकि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद गैमेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक आइसोगैमेट्स और एक एन आइसोगैमेट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन आइसोगैमेट और आइसोगैमेट। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आइसोगैमेट्स और एन आइसोगैमेट्स में क्या डिफरेंस है, इनका डिफिनेशन क्या है और इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो गैमेट्स हमने बताया था, एक आइसोगैमेट्स होता है, एक एन आइसोगैमेट्स होता है जो कि गैमेट ट्रांसफर, गैमेटोजेनेसिस के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आइसोगैमेट्स है और एन आइसोगैमेट्स है।
आइसोगेमेट्स में देखिए बोथ मेल्स फीमेल्स आर सिमिलर, दोनों मेल्स और फीमेल्स जो है दोनों सिमिलर रहेंगे, मतलब एक जैसे रहेंगे, सिमिलर इन अपीयरेंस रहेंगे, यानी कि दोनों एक जैसे रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों एक जैसे रहेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज होमोगेमेट, जब दोनों चीज एक तरह होता है तो उसे हम होमो कहते हैं। तो यहाँ पे गैमेट की बात हो रही है तो यहाँ पे होमोगेमेट हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सम एल्गी आ जाएंगे, कुछ एल्गी होते हैं जो कि होमोगेमेट में आते हैं, यानी कि आइसोगेमेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एन आइसोगेमेट्स, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, जैसे कि इसमें सेम है तो इसमें डिफरेंट तो होंगे ही, यहाँ पे दोनों डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद देखिए मेल गेमेट को हम लोग स्पर्म और एंथर ज्वाइट कहते हैं, जैसे कि स्पर्म भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो स्पर्म तो हम आसानी से जान लेते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम एंथर ज्वाइट है, जो कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है ये शब्द, तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया है। मतलब स्पर्म को ही हम एंथर ज्वाइट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और फीमेल गेमेट को देखिए यहाँ पे एग और ओवम कहते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं एग और ओवम, इसका दो नाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोगेमेट, जब डिफरेंट है तो इसको हेट्रो कहते हैं, और यहाँ पे गेमेट की बात करें तो हेट्रोगेमेट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम जान गए कि आइसो और एन आइसो गेमेट्स में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इजीली इसमें आप लिख सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन आने वाला सिर्फ यही एक पार्ट है कि जो होमोगेमेट होते हैं और डिफरेंट इसमें नहीं होते, इसमें सेम होते हैं, एग्जाम्पल तो नहीं ज्यादातर पूछा जाता, और यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, और इसमें ये जो नाम है ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे बाईसेक्सुअल का डिफिनेशन है, डिफिनेशन मतलब इन सेम, जैसे कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर सेम प्लांट सेम एनिमल्स में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे बाईसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोइसियस और हर्मेफ्रोडाइट। ये चारों नेम आपको याद होना चाहिए, ये चारों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसके जगह पे ये दे देता है, तो कोई भी इसमें से दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट और सेम एनिमल में प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसे हम बाईसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोइसियस और हर्मेफ्रोडाइट कहेंगे। हर्मेफ्रोडाइट यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूज होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा स्पॉन्ज, अर्थवॉर्म एंड लीच। अर्थवॉर्म जो कि केचुआ होता है, लीच जो कि जोंक होती है। और यहाँ पे हम यूनिसेक्सुअल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स में भी हो सकता है या फिर डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। और हेट्रोथैलिक और डाईसियस, इसका तीन ही नाम है, तो तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक नाम याद कर लेना, आप तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल में कॉकरोच आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैमेटोट्रांसफर, गैमेटोट्रांसफर का मतलब होता है, ट्रांसफर से मतलब चल रहा है कि गैमेट का ट्रांसफर, तो जब दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये पास आते हैं फ्यूज होने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो कई केसेस में होता है जैसे कि मेल गैमेट जो है मोटाइल रह जाता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो जाता है, बट इन सम फंजाई, फंजाई में कुछ फंजाई में ऐसे होते हैं कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल हो जाते हैं, तो इस केस में एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रांसफर के लिए, और उस वो मीडियम जो है वाटर होता है, वाटर एक्ट एज ए मीडियम टू ट्रांसफर द गैमेट्स। तो इस सिचुएशंस में वाटर एक्ट करता है मीडियम के और गैमेट को ट्रांसफर करता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोट्रांसफर। ज़्यादातर यही देखा जाता है और होता भी यही है कि मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होता है वो फीमेल गैमेट से नंबर में ज़्यादा रहता है, जैसे कि स्पर्म्स होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली फीमेल गैमेट से ज़्यादा ही रहेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे और बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नीचे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।